TV Big F with Gautam Gulati. Oh, hi. Welcome to yet another episode of the Big F. तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ साक्षी की। साक्षी 20 साल की है और 20 साल की उम्र में ही साक्षी की शादी हो गई। अभी तक उसको ये भी नहीं पता है कि एक पति पत्नी के रिश्ते में बराबर का हक होता है, चाहे वो घर में हो या फिर चाहे वो बेडरूम में। और सिर्फ एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो अपने हस्बैंड का ख्याल रखे, एक हस्बैंड की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी वाइफ का ख्याल रखने की। You wanna have a look? ऐसे तुमने ना बड़ा अच्छा डांस किया अपने उनके साथ। ओ कम ऑन साक्षी, एक तो आज मेरा एंगेजमेंट है, ऊपर से तुम यहाँ पे चुपचाप बैठी हो। दैट्स नॉट फेयर। वैसे तुम्हारा वो नालायक हस्बैंड कहाँ पे है? ए, उनके बारे में ऐसे मत कहो। अच्छा सॉरी बाबा। अच्छा एक काम करो, उनको बुलाओ एंड आई वांट टू सी बोथ ऑफ यू ऑन द डांस फ्लोर। कम ऑन गेट अप। अच्छा ये वाली आई बेट वो किसी को मना नहीं करेगी। अबे वो छाबड़ा की गर्लफ्रेंड है तो हमारे भी भाभी हुई ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें बोला ना कि लेडीज के साथ रहना। तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती क्या मेरी? वो पल्लवी ने कहा था कि हम दोनों डांस कर ले, इसलिए हम आपको बुलाने आए। डांस करना है? ये कोई बनारस का लेडीज संगीत नहीं है, ये मुंबई की कॉकटेल पार्टी है, समझी? और तुम यहाँ पे मेरा मजाक उड़ाना चाहती हो ना? ठीक से चल तो पाती नहीं हो, डांस क्या खाक करोगी? आप जैसे करेंगे ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। हम अच्छा कर सकते हैं। जाओ यहाँ से, खाना लगा मेरे लिए, भूख लगी है। So where were we guys? कुछ बात कर रहे थे। तो वो तुम्हारे साथ डांस नहीं करना चाहता? अजीब है, मतलब शादी के 3-4 महीने तक तो हस्बैंड वाइफ बहाना ढूंढते एक दूसरे को छूने को, तुम लोगों को तो सिर्फ 4 हफ्ते हुए हैं। एक्चुअली वो क्या है ना, प्रणव बहुत प्रैक्टिकल है। What is that practical? अच्छा एक बात ऑनेस्टली बताओ, खुश हो ना? I mean, तुम दोनों की लव लाइफ सब ठीक है ना? एक तो तुम्हें शर्माना बंद करना पड़ेगा। क्या वो तुम्हारी लव नीड्स को सैटिस्फाई कर रहा है? I mean, तुम्हारे चिंगारे निकलवाता है कि नहीं? चिंगारे? हाँ। पल्लवी, ये तो सिर्फ लड़कों के लिए होता है ना? साक्षी तुम्हें पता भी है कि लड़कियों की भी लव नीड्स होती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हस्बैंड को फुल सैटिस्फाई होने का हक है तो एक वाइफ को क्यों नहीं? आई मीन वाइफ की तो भी कुछ लव नीड्स होती है, राइट? हमें तो ये सब पता ही नहीं था। तो पता करो ना साक्षी। I mean, जब तक तुम खुश नहीं होगी तो आगे कैसे प्लान करोगी अपनी फैमिली का? I think तुम दोनों को बात करनी चाहिए, इस बारे में डिस्कशन करनी चाहिए। अच्छा तुम दोनों अभी मेलबर्न जा रहे हो, राइट? आई थिंक तुम्हें बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम मिलेगा। बोलो तुम बात करोगी ना प्रणव से? बोलो साक्षी। हम उनसे बात करने की ट्राई करते हैं। बिल्कुल प्लीज ट्राई करना। मम्मी जी का कॉल आया था सुबह। तुम उन्हें रोज कॉल क्यों नहीं करती हो? तुम्हें पता है ना उन्हें मेरी चिंता होती है कि तुम मेरा ख्याल रख रही हो कि नहीं। तुम्हें उन्हें अपडेट करना चाहिए। और तुमने पल्लवी को क्यों कहा कि हम मेलबर्न जा रहे हैं? बातों बातों में ना बस वो मेलबर्न वाली बात निकल गई। जरूरी था? हनीमून पे नहीं जा रहे हम, वर्क ट्रिप है मेरा। मम्मी जी की वजह से तुम्हें साथ लेके जाना पड़ रहा है ताकि तुम मेरा ध्यान रखो, समझी। और ये मत सोचना कि वहां तुम्हें मैं शॉपिंग कराऊंगा या घुमाऊंगा। मैं काम करूंगा और तुम मेरा ध्यान रखना होटल में, ठीक है। मेरी ऑफिस की सारी फाइल्स पैक कर दी थी तुमने? जी, हमने आपकी सारी फाइल्स रख दी और हमने ना हमारे लिए एक जीन्स भी रख दी है। वो हमारी सहेली ने दिया था ना। ओह, सहेली ने दिया था? अगर जीन्स पहनने वाली लड़की मुझे चाहिए होती ना तो मैं मुंबई छोड़ के बनारस नहीं जाता तुम्हें अपने पल्ले बांधने के लिए। ये क्या है साक्षी, मोटा दिमाग है तुम्हारा। तुम्हें पता नहीं है कि सिक्योरिटी पे ज्वेलरी चेक होती है? ये लो, मुझे नहीं पता, ये संभालो इसको। टिकट कहाँ है? आप ही के पास तो। जल्दी आओ। Tricky things. आप छोड़िए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वेरी सिंपल, ठीक है। जस्ट पुश दिस बार एंड दैट्स इट। सुनिए ना, हमें ये मंगलसूत्र पहना दीजिए ना, ये हमसे नहीं बन रहा। बाद में, मुझे बहुत भूख लगी है और आज जो तुमने हलवा बनाया था बहुत ही बेकार था। तुम कुछ रेसिपी सीख क्यों नहीं लेती मम्मी जी से? वैसे जो हलवा आपने खाया था वो हमने नहीं बनाया, वो आपकी मम्मी जी ने आपके लिए कल सुबह भेजा था। डोंट ब्लेम माय मदर। आई एम नॉट रनिंग। पर आप हमेशा हमें गलत क्यों समझते हैं? आप एक बार हमें समझने की कोशिश कीजिए, तभी तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे। और हमें आपसे बहुत कुछ कहना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरे लिए एक सैंडविच लेकर आओ, मेरे लिए एक कप कॉफी। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो अपने लिए एक प्लेन मफिन ले लेना। जाओ जाओ। एक्सक्यूज मी भैया, हमारा ऑर्डर लीजिए ना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हमारा ऑर्डर लीजिए ना भैया। भैया एक कॉफी, एक सैंडविच और एक मफिन। एक्सक्यूज मी, एक कॉफी, एक सैंडविच एंड व्हिच मफिन? प्लेन। प्लेन मफिन काफी बोरिंग चॉइस है। आई नो, मुझे भी बहुत बोरिंग लगता है। तो फिर ले क्यों रही है? स्टूडेंट, यू गेट व्हाट यू वांट। एक चोको चिप मफिन। जब तक बोलोगी नहीं तो जो तुम्हें चाहिए वो कभी नहीं मिलेगा। Can I have my coffee, please? मफिन ही पसंद है। मैंने तुमसे प्लेन मफिन मंगवाया था। साक्षी, ये सब मैं तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, और अगर तुम इतनी चॉकलेट खाओगी तो मोटी हो जाओगी ना बेबी। हाँ, देन हाउ विल यू कीप इंटरेस्टिंग? बोलो। और ये सब मैं तुम्हें नहीं कहूंगा तो और किसे कहूंगा, है ना? प्रणव, ओ हमें ना आपसे कुछ कहना है। वो लाइट का टाइम हो गया, लेट्स गो। प्रणव, चलो चलो चलो। हमारी बात तो सुनिए। हेलो सर, कैन आई सी योर बोर्डिंग पास? One business class, upstairs, economy. Thank you. चलो। तुम्हारी सीट। और आपकी? मेरे ऊपर है, business class में। 14 घंटे की फ्लाइट है, और ये हमारी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है। हम यहाँ अकेले हो जाएंगे। इतनी देर? डोंट क्रिएट अ सीन यार। मैं ऑफिस के खर्चे पे जा रहा हूँ, और उन्होंने मुझे बिजनेस क्लास की सीट दी है, और तुम्हें मैं लेकर जा रहा हूँ अपने खर्चे पर। और शुक्र करो कि लेकर जा रहा हूँ, वरना तुम्हारी पूरी फैमिली है। कभी प्लेन की शक्ल देखी है? सिर्फ आपके साथ बैठना है और कुछ नहीं। साथ बैठना है? ये गार्डन है, बैठो चुपचाप, और अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल देना। सुनो, ये लोग वाइन वगैरह सर्व करेंगे, मना कर देना, एक सिप भी नहीं, समझे? और सामान संभालो। Ladies and gentlemen, this is your captain Varun Kohli at the flight deck. I hope everyone is having a wonderful time. बाहर का तापमान है कुछ 3 डिग्री और अंदर का तापमान आज कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है. So we are keeping the temperature at 24. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hi. Food? Yeah. हम वेजिटेरियन हैं. Sorry, ma'am, but वेज तो खत्म हो गया. Wait a sec. लेकिन आपके लिए तो नॉन वेज ही पुकते हैं. आप एक काम कीजिए, आप इसे ले जाइए. बहन जी, जी आपने खाना नहीं खाया? दरअसल वो क्या है ना, हम वेजिटेरियन हैं और वो नॉन वेज था. इतने मुझे ये फ्लाइट के खाने का. लो, अब हमारे पराठे खाओ. लो जी. नहीं नहीं, थैंक यू, हम मैनेज कर लेंगे. थैंक यू सो मच. आपके हस्बैंड अभी यहीं थे ना? काफी देर हो गई, दिखाई नहीं दे रहे. जी, वो बिजनेस क्लास में है. You should visit India often. I'll take you out this time. I'm sure you'll have a great time. Oh, thank you so much. You are so kind. So, where do you stay in Melbourne? Oh, I stay in Grand View Town. Wow, that's great. You know, I can read palm. Yeah, it's an ancient Indian art. Let me see yours. Of course, Mr. Chairman. Pranav. Okay, Pranav. So. Are you traveling alone? Yeah, all alone, single. Somebody is about to come. Oh, excuse me. तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और हैंडबैग कहाँ तुम्हारा? किसने चोरी कर लिया तो? वापस जाओ. मैंने कहा ना, वापस जाओ. डिनर हो गया, जाके सो जाओ. Who was that? Nobody. She's my neighbor. Actually, she's traveling in economy, so she needs some help, and I'm always there to help others. ये कोइंसिडेंस है या आप मेरा पीछा कर रही हो? कोइंसिडेंस। ओह ना, पीछा कर रही होती तो ज्यादा मजा आता ना। इतनी ब्यूटीफुल लड़की आपके पीछे पड़ जाए, लाइफ में और क्या चाहिए? अपने दांत दिखाइए। हाँ? दांत दिखाइए ना। ब्रश तो किए, तो फिर हंस क्यों नहीं रही हो? Are you all right? Yes. Abhi I'm okay. You're not okay. You're amazing. I mean कि amazing कि हम दोनों फिर से एक दूसरे से इस तरह मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ हैं तो ये फ्लाइट कौन फ्लाई कर रहा है? Oh my God! हाँ? मैं तो भूल गया, मतलब प्लेन नीचे गिर रहा होगा ना? कुछ करिए ना। क्या? You're the cutest thing that I've ever come across. जनरली लॉन्ग फ्लाइट्स में कॉकपिट में 3 पायलट्स होते हैं और प्लेन को ऑटो पायलट मोड में रखा जाता है क्योंकि पायलट्स को भी चाहिए ब्रेक, इसलिए हमें दिया गया है पायलट्स रेस्टिंग एरिया। एक्चुअली आपकी लाइफ काफी इंटरेस्टिंग है ना। रोज नई खूबसूरत डेस्टिनेशन, नई खूबसूरत कंट्रीज, नई खूबसूरत सिटीज, नए खूबसूरत लोग। वैसे आपको हमारी फ्रेंड पल्लवी से मिलना चाहिए, वो आपसे मिलके ना बहुत खुश होगी। उसे पायलट्स बहुत पसंद है। और आपको? Flight का food is the most wild food. But I guess we don't have option. So, हमारे इस जबरदस्ती की coincidental date पे आपको मैं flight का खाना ही खिला सकता हूँ। तो बताइए, क्या खाओगे आप? मटर पनीर। मटर पनीर। मैडम, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, हम धरती और आसमान के बीच एक छोटे से प्लेन में उड़ रहे हैं। तो आप अपनी फरमाइश थोड़ी सी कंट्रोल में रखिएगा। Actually, इतनी भूख लगी है कि कुछ भी चलेगा, बस वेजिटेरियन होना चाहिए। Wow. जी घबराइए मत, छोटी सी टर्बुलेंस है, बस झटके लगते हैं। वेल, इफ यू डोंट माइंड, हम पायलट्स रेस्टिंग एरिया में जा सकते हैं, खाना वहीं आ जाएगा। जी। आपके चेहरे पे कुछ लगा है? कुछ नहीं, बहुत कुछ है। कान, आंख, नाक, लिप्स। लिप्स पे कुछ लगा है? यहाँ पे थोड़ा राइट। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इस तरह। एक काम करो, तुम खुद ही क्यों नहीं निकाल देती? साक्षी, मुझे कुछ कहना है तुमसे। तुम्हारी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। सो साक्षी, हाँ, अपने बारे में कुछ बताओ साक्षी, मुझे सब कुछ जानना है तुम्हारे बारे में। हम खुद अपनी लाइफ की मायने ढूंढ रहे हैं, आपको क्या पता है? ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी ब्यूटीफुल लड़की और जानने के लिए कुछ ना हो। हमारी लाइफ वाकई में काफी बोरिंग है। तुम पर मुझसे ज्यादा सूट कर रही है ये। पता है, हम भी जिंदगी में कुछ कुछ करना चाहते थे, पर अब ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई है। नॉनसेंस। जिंदगी में कभी देर नहीं होती, कभी भी नहीं। जिंदगी बस मौके देते रहती है। बताया, जब मैंने तुम्हें पहली बार वो बैग संभालते हुए देखा था, मुझे तभी लगा कि तुम अपने आप को कहीं छुपा रही हो। एक डर है तुम्हारे मन में। किसका, वो मुझे पता नहीं, पर ऐसा बहुत कुछ है तुम्हारे अंदर जो तुम बाहर लाना चाहती हो। पता है, 1 साल पहले मेरी प्लेन ऑलमोस्ट क्रैश होने वाली थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ खत्म। और फिर मैंने रियलाइज किया, ऐसा लगा कि जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, खुल के जिया ही नहीं। और उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि कोई बात दिल में नहीं रखूंगा, बस कह दूंगा। और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्या हुआ? Are you fine? Let me get you some water. Wine. मुझे वाइन चाहिए। ठीक है। सही। Listen, Sakshi, I'm really sorry. Chocolate? Yeah, chocolate मिलेगी? Hi, I'm his wife. I hope you don't mind if I sit next to you. But you say she was your neighbor. A language problem. I so wish that this was true. कि हम आपके neighbor होते. साक्षी, मेरी बात सुनो. प्रणव, हम आपकी नौकरानी नहीं है. और ना ही कोई मशीन जो आपकी मम्मी जी ने आपको खुश करने के लिए बाजार से लेकर आई है. मैं आपकी पत्नी हूँ और पति पत्नी बराबर होते हैं. हमने हमेशा आपको प्यार दिखाया. अब आपकी बारी है. आप हमें प्यार दिखाएं. I hope आपकी फ्लाइट आनंद में रहेगी. जी. All the very best. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. कुछ experiences judgment से परे होते हैं. और वरुण साक्षी की लाइफ का वो experience था जिसने उसको ये सिखाया कि साक्षी भी अपने इस हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में इक्वल है. अगर प्रणव की नीड्स हैं, तो बॉस साक्षी की भी नीड्स हैं. और आप ये मत भूलिएगा कि एक लड़का और एक लड़की दोनों एक समान होते हैं. कोई फर्क नहीं होता. अगर लड़का बेशर्मी से अपनी नीड्स की बात कर सकता है तो एक लड़की भी बेशर्मी से अपनी जरूरतों की बात कर सकती है। एनीवे, मेरा फ्लाइट का लैंड करने का टाइम हो गया है और जाते जाते सिर्फ मैं यही बोलूंगा कि